बहुत सारा यूट्यूबर लोग भी न्यूज बनाता, सब यूट्यूबर लोग के धन्यवाद बा, लेकिन कुछ लोग ऐसा बा कि तुलना करता गाना के, और अच्छो गाना के लोग कहता कि बाप रे खराब बा, कम से कम छठी मैया से तो दे रहा लो। अच्छा चौन बा ओकरा के अच्छा बोले के सीखे के चाहिए। जिंदगी में आप आगे बढ़िएगा तब जब अच्छे को अच्छे बोलिएगा और बुरे को बुरे बोलिएगा, नहीं तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है। गाने का कॉम्प्रोमाइज आप लोग करते हैं कि इस गाने से ये गाना भारी है, अरे भाई एक बार गाना तो सुन लो, कोनो जरूरी बा कि हम पवन पांडे हम लिखते हैं तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, ऐसा कोनो जरूरी नहीं है। हो सकता था कि हमारा गाना भी खराब होके और हमसे कोनो जूनियर अगर राइटर लिख ले होंगे ना, वो हमारा से बहुत बेहतर होके अच्छा होके, तो हमारा चेहरा देख के थोड़े रुआ हम हमारा के कह देंगे ना भाई पवन भैया जो गाना लिख देंगे वो बहुत अच्छा लिखेंगे। नहीं, अगर वो अच्छा लिखे हैं तो उनको भी सराहना कीजिए। जब तुलना करते रुआ हाई गाना गौले फलाना तो हाई ठीक हो गए, फलाना गले तो हाई अच्छा हो गए, ना ये सब गलत चीज बा। आप तुलना अच्छे को अच्छे से कीजिए और बुरे को बुरे से। और कुछ यूट्यूबर लोग ऐसा तुलना करके एकदम जजमेंट फेस कर ला, जैसे कोई लोग लाइसेंस दे दिल बा एकदम, जैसे एगो फिल्म में सेंसर बोर्ड बा तो बुझाता कि एल्बम के दुनिया में एल्बम के लोग के एकदम सेंसर बोर्ड मिल गए बा, ये लोग लिख दी कि हाई छठ हिट हाई छठ फ्लॉप। अब नारियल चलता तो लोग एकरो कहता कि ना ना ऐसे नीमन है गाना बा, पीढ़ा लगा के ऊंच होला से ऊंच हो खेला दे, जितना हाइट बा हमारे उतने अथी ऊंचाई पर हमार कोनो आम के लटकल बा, तो हम वो जितना हाइट बा कोशिश करें कूदेम तो थोड़ा सा अड़ी बढ़े, लेकिन कूदेम उतने देर बन ऊंचाई हमारे बढ़ी फिर तो जमीन ये पर आए उतने बेरा, पीढ़ा लगा के कितना दिन ऊंचो को बोलो, पीढ़ा लगा के ऊंच हो चला कोनो एथी नहीं के। और कुछ ऐसा नो यूट्यूबर वालों जेकर बर्दाश्त नहीं होत कितना हमारे छोट पे छे, ऐसे के कुछ यूट्यूबर लोग बाजन की बहुत सारे लोग के इशारा पर चले ला, हम जानता नहीं कि हमारे लाइफ विवाद भाई बहुत सारे लोग उठा कर डालबो करे और लिखबो करे उल्टा सीधा हेडिंग में हैसे हुई से फलाना चिलाना, चलिए उसे हमारा फर्क ना पड़ला, हम तो रिएक्टे ना कर ले, लेकिन बहुत बुरा लगे ला तो रिएक्ट कर ले, चूंकि जब अच्छा बा कितना अच्छा गाना बा कि देखिए एक टके अरे निहारा ना गिरता पलकवा बलकवा तू दे द छठी मैया, कितना फील में खेसारी जी गौले बरम, इस गाना के फील को आप समझिए और फिर आप तुलना करने लगते हैं। हर हाल यार इस गाना एक गाना के जिस तरीका से वर्ड लिखा गया है और उस वर्ड के अनुसार उस वॉइस को सजा दिए खेसारी जी बेहतरीन ढंग से, जबरदस्त ढंग से सजाए हैं। ये करुणा रस का गाना है, एक दर्द है, एक माँ एक औरत की उत्प्रेरणा है, जो दर्द उसके अंदर संतान का दर्द क्या होता है जिसके उस औरत से पूछिएगा जिसको संतान नहीं होता है, और उस औरत के दर्द को अपने गायकी में बिल्कुल ढाल करके जो खेसारी जी ने गाया है इतिहास रच दिए हैं। दीवानगी रहा दो तीन दिन पहले देखे के मिलल हुई, अभी तक हमारा नहीं खेला कि हॉलीवुड बॉलीवुड और कौनो वुड के एक्टर लोग के देखे खातिर टावर पर लोग चढ़ल हुई, जगह सांझ के चिड़ई देखम कि लाइन से कौन पोल के तार ओर पर बैठ जाली से चाहे टावर पर एकदम गुथा जाली से सिकरी कौआ चिड़ई सब पक्षी वही लोग एकदम सिकरी गुथाई रहे टावर पर, आ एक एक टावर पर ना जाता ना कुल टावर रहे जी सब पर, अभी हो लोग के बुझाए कि बनावले बा फोटो नहीं के बनाओ लाइव में लोग देख ले हुए, बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो भी बा, अब वो करोगे लोग अरे भाई तो अच्छा बात तो करके बनाबो, तो अगर
न्यूजे बनाओ तो टोकरो बनाओ तब न भोजपुरी के नाम हुई कि हाँ भोजपुरी एक्टर में दम बहुत तब जंगल में जाके 2 लाख पब्लिक बिटोर के टावर पर लोग चढ़वा देते वो।